बजट स्पेशल 2021-2022 कम टैक्स स्पेशल। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, देश में बड़ी इनकम टैक्स देने वालों की संख्या। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2020 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 6.84 करोड़ हो गई है, जो 2014 में 3.31 करोड़ थी। हालांकि पिछले साल अपने बजट भाषण में देश में नई कर व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बार नई कर व्यवस्थाओं में कोई टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया गया है। सरकार ने नई कर व्यवस्था या पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर देने के विकल्प को करदाता अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार दिया है। व्यक्तिगत आयकर दाताओं को नई कर व्यवस्था के तहत धारा 80C, 80D, LTC, HIA सहित अन्य सभी कर छूटों का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। वित्त मंत्री ने सालाना 5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। पहले 20% की दर से टैक्स तय था। सालाना 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर नई कर व्यवस्था के तहत 15% टैक्स देय है। यहाँ जाने टैक्स से जुड़े नियम। 7.5 से 10 लाख तक की आय पर 15% टैक्स। बता दें, अगर किसी की सैलरी या इनकम 2.5 लाख रुपए है तो इसे सरकार द्वारा कर मुक्त रखा गया है। ये पुराने और नए दोनों सिस्टम में एक समान है। वहीं 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की पहले की तरह ही 5% टैक्स लगाया गया है। वहीं जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक है, उन पर 10% टैक्स लगाया गया है। जिनके इनकम 7.5 लाख से 10 लाख तक है, उन पर 15% टैक्स लगाया गया है। 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30% टैक्स। वो लोग जो सालाना 10 लाख से 12.5 लाख रुपए कमाते हैं, उन्हें 20% टैक्स चुकाना होगा। 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की इनकम सरकार द्वारा 25% टैक्स लगाया गया है, और जिनकी आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उन पर 30% टैक्स लगाया गया है। इनकम टैक्स की पुरानी दरें और नई दरें कुछ इस तरह से हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब बुजुर्गों को नहीं भरना होगा टैक्स रिटर्न। बजट में मिली बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए ऐसे सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए टैक्स रिटर्न भरना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नज़र भारत पर है। ऐसे में हमें अपने टैक्स पेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि NRI लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थी, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।